साथियों को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। तो मैं कथन पर की बात कर लेता हूँ, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। ये जो सम्यक समाज संघ है इसलिए किस किसका निर्माण हमने क्यों किया है, समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए, जो हमारा समाज बिखरा हुआ है उस समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए सम्यक समाज संघ का निर्माण किया है, जो 5 उद्देश्यों पर काम कर रही है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और बेरोजगारी, जो हमारे झोजल समाज के युवा पढ़े लिखे हैं वो बेरोज घूम रहे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा हम चाहते हैं कि वो रोजगार उनको मुहैया कराएं। और लास्ट में भारत बोध में हमारा टारगेट है 5वां उद्देश्य से कि हमारा समस्त संपूर्ण भारत देश भारत बोध में हो। अब ये भारत बोध में होगा कैसे, क्योंकि हम तो समाज में बिखरे हुए हैं, हमारा कोई धर्म ही नहीं है, हमारे अंदर कोई कट्टरता ही नहीं है। जब तक हम हमारे बौद्ध धर्म की कट्टरता हमारे अंदर पैदा नहीं करेंगे, और पैदा कैसे होगी, ये हम बार बार चलता रहे आरएसएस ने ये किया वो किया। आरएसएस वो सामाजिक संगठन कट्टरता है जो बीजेपी को आज पूरे संपूर्ण भारत देश में आगे लागे खड़ा कर दिया। और इसी के तहत पे हम सम्यक समाज संघ, हम चाहते हैं कि बसपा को संपूर्ण भारत देश में फैलते होगा। कौन कौन चाहता है कि बसपा की बहन की मायावती पीए हो, भाग कर रहो, कौन कौन चाहता है, जो नहीं करता चावल सारे छपता है। अच्छा लगा, सभी चाहते हैं, सभी साथी यहाँ सामाजिक संगठन में हैं जो आए हैं, और मैं चाहता हूँ कि समाज के साथ आइए, हमारे साथ काम करिए।